बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे चैप्टर जो 17 है मॉडर्न फिज़िक्स के। 20 एमसीक्यूज हमने पहले हिस्से के अंदर डिस्कस किए थे और 20 एमसीक्यूज इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ एन एक्सरे फोटॉन हुज मोमेंटम इज़ 1.2 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसके अंदर मोमेंटम दिया गया है, इसमें कहा गया है कि ये एक्सरे फोटॉन है तो इसके अंदर इसका मोमेंटम दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है 1.2 × 10⁻²³ किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखिए अब ये फोटॉन है तो फोटॉन के अंदर हम करते हैं कि इसकी एनर्जी जो होती है वो होती है P × C। तो यहाँ पे अगर आप करोगे एनर्जी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दोनों आपसे पूछी गई है तो एनर्जी हो जाती है, आप यहाँ से करते हो एनर्जी E = mc² होती है तो यहीं से ये फार्मूला आता है m × c × c, तो ये PC आता है। तो आप यहाँ से करोगे कि मोमेंटम दिया 1.2 × 10⁻², और C होती है 3 × 10⁸, तो एनर्जी हो जाती है हमारे पास 3, ये हो जाएगा 3.6 इंटू हो जाएगा 10⁻², ये 23 माइनस का है इससे 8 जाएगा, बाकी बचेगा -15 जूल। ये आ गई एनर्जी। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, इसमें फ्रीक्वेंसी E = होती है h न्यू, यहाँ से आप करेंगे न्यू = E/h, ये होगा 3.6 इंटू 10⁻¹⁵ अपान होगा 6.63 10⁻¹⁴। तो इस तरह से ये आ जाएगी आपके पास फ्रीक्वेंसी E = 3.6 / 6.63 10⁻³, ये ऊपर जाएगा तो ये चला जाएगा प्लस का हो जाएगा 15 जाएगा 10⁻¹⁹ हर्ट्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसके अंदर कर सकते हैं कि देखिए यहाँ से आप 3.6 एक तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं इस तरह से कि ये हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेशन के अंदर, इसका आंसर आएगा 3.6 डिवाइडेड बाय 6.63, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.54 × 10⁻¹⁹। ये आप इसको कर सकते हैं, देखें ये फ्रीक्वेंसी है बेटा, एनर्जी लिखने में आ गया, ये हो जाएगा 5.4 × 10⁻¹⁸ हर्ट्स। तो ये हो जाएगा आपके पास 5.4 है और एनर्जी कितनी है -15 है, एनर्जी है हमारे पास 3.6 माइनस जो है वो 15 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 3.6 -15 है, ठीक है। तो ये दो जगहों पे फ्रीक्वेंसी जो है वो -15 है 3.6, और फ्रीक्वेंसी कौन सी है 5.4 है, तो ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी अलग है तो ऑप्शन ये इसका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 22 है, इसके अंदर क्या कहा गया है, इसके अंदर कहा गया इफ द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज 4.2 eV कैलकुलेट इट्स मोमेंटम। जब एनर्जी दी गई है तो मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है, सेम फार्मूला है और इस फार्मूले के ऊपर लगेगा E = हमारे पास 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अब मोमेंटम बताना है, मोमेंटम कितना है, वही सेम फार्मूला, एनर्जी = P × C होता है तो P हो जाएगा = energy/c। एनर्जी देखें, एनर्जी दी गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, जबकि जवाब किलोग्राम मीटर पर सेकंड के अंदर है, मीन्स जो आंसर है वो SI के अंदर है, जबकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर दी गई तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें SI के अंदर। तो ये हो जाएगा 4.2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ होगा 3 × 10⁸। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास = आप डायरेक्ट कर सकते हैं या टाइम जाएगा तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं इसके अंदर कि हमारे पास है 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3।
इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2.24, और 10 पार ये चला जाएगा, माइनस जो है वो 8 ऊपर चला जाएगा, तो माइनस 27 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2.24, तो ये हो जाएगा 2.24 इंटू 10 पार माइनस 27, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। फोटो करंट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं, ठीक है, जो है वो इंटेंसिटी पे, तो ये गलत हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉर ऑल रिटार्डिंग वोल्टेजेस। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द वेव लेंथ। देखिए ये सही होगा कि फोटो करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। फोटो करंट जब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता तो वेव लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करेगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ द, एनर्जी पे भी डिपेंड नहीं करता क्योंकि एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ है, इसलिए इसके ऊपर नहीं करेगा। तो ट्रू कौन सा हो जाएगा, सिर्फ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके अंदर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सी फॉल्स है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट फोटॉन एनर्जी। क्योंकि देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एनर्जी होती है ई इंटू वी के, तो ये इंसिडेंट एनर्जी जो होती है, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंसिडेंट एनर्जी के। तो द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट फोटॉन फ्रीक्वेंसी। तो जाहिर सी बात है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ेगी उतनी ही इंसिडेंट एनर्जी बढ़ेगी, जितनी इंसिडेंट एनर्जी बढ़ेगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और उतनी काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो ये ऑप्शन सही है इसका। द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट फोटॉन एनर्जी, सही है। ठीक है, द स्टॉपिंग डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट फोटॉन फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी दोनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे करेगा तो एनर्जी पे भी करेगा, दोनों रिलेटेड। द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट फोटॉन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंसिड जो है वो डिपेंड नहीं करती। द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन इंसिडेंट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट फोटॉन इंटेंसिटी, द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट फोटॉन वेवलेंथ। वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा क्योंकि जो चीज़ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है वो वेवलेंथ पे करेगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो कौन सी आपको फॉल्स बतानी है, तो फॉल्स कौन सी हो जाएगी, सी हो जाएगी, तो सी ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इन कॉपर इज 1.1 × 10⁻¹⁹ हर्ट्ज। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 × 10⁻¹⁹ हर्ट्ज इज डायरेक्टेड ऑन अ कॉपर सरफेस। इसके अंदर कहा गया कि फोटॉन के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देखिए कॉपर की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 1.1 × 10⁻¹⁹ हर्ट्ज। तो आप यहाँ से इसका वर्क फंक्शन निकालें, वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट, ठीक है। अब वर्क फंक्शन हो जाएगा आपके पास एच 6.63 × 10⁻¹⁴ इंटू, आपको पता है फ्रीक्वेंसी 1.1 × 10⁻¹⁵, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है तो 1.6 × 10⁻¹⁹ भी कर दें, क्योंकि आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है तो वर्क फंक्शन को भी आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ले जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास, इस तरह से आप करोगे 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपके पास 1.6, तो ये हो जाएगा वर्क फंक्शन आपके पास 4.558 × 10⁻¹⁹ ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये बाकी आपके पास बचेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अब फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है, ठीक है, जबकि जो है वो फोटो इमिटेड वो लाइट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी,
इंसीडेंट एनर्जी आपके पास नहीं है, तो इंसीडेंट फ्रीक्वेंसी है 1.5 × 10^15 हर्ट्स। तो पहले आप कर लें इंसीडेंट एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू 6.63 × 10^-34 इंटू 1.5 × 10^15, वही सेम रूल 1.6 × 10^-19। इसको लगाएं तो ये हो जाएगा आपके पास जो है वो 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.6, ये हो जाएगा आपके पास एनर्जी 6.215 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि डिवाइड आपने कर लिया है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएगा। अब आपको पता है कि काइनेटिक जो है वो आइंस्टाइन की इक्वेशन है, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी E−φ, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो जाएगी इज इक्वल टू एनर्जी है 6.215 माइनस वर्क फंक्शन है, ठीक है, माइनस वर्क फंक्शन है 4.558, तो ये हो जाएगा आपके पास तकरीबन जो है ये आंसर आ जाएगा। इसको आप करोगे 6.215 माइनस हो जाएगा 4.558, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.657 ईवी, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.66, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर सही है। 6 के अंदर कहा गया कैलकुलेट द डी ब्रोगले वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हिच हैज बीन एक्सीलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑन एप्लीकेशन। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन है सम पोटेंशियल से, तो इसकी वेवलेंथ का ये फार्मूला आ जाता है हमारे पास कि इसकी वेवलेंथ जो होती है वो होती है एच अपॉन अंडर रेडिकल टू ई वी इंटू एम। आप इस फार्मूले को लिख सकते हैं एच अपॉन अंडर रेडिकल टू ई वी ई इंटू एम इंटू वन अपॉन अंडर रेडिकल वी। इस फार्मूले को आप यहाँ पे देखें तो ये एक इसके अंदर कांस्टेंट फैक्टर है। अब इस कांस्टेंट फैक्टर की आप वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा लेमडा अपॉन अंडर रेडिकल टू ई इंटू एम जो सॉरी एच, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास एच अपॉन अंडर रेडिकल टू ई इंटू एम, ये कांस्टेंट फैक्टर है, ये हो जाएगा एच अपॉन अंडर रेडिकल टू 1.6 × 10^-19 इंटू मास की वैल्यू होती है 9.1 × 10^-31। अब अगर आप इस फैक्टर को निकालोगे तो एच अपॉन अंडर रेडिकल टू ई इंटू एम फैक्टर हो जाएगा इज इक्वल टू एच और इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर आपने वैल्यू जो है वो डाल दी है इसकी फैक्टर की, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 × 1.6 × 9.1, ये हो जाएगा आपके पास 29.12 × 10^ हो जाएगा, −31 है तो ये हो जाएगा 50 × 10^-50। तो अब इसको कर लें 6.63 × 10^-34 अपन आप इसका अंडर रेडिकल निकाल लें, इसका अंडर रेडिकल हो जाएगा 5.396 × 10^, ये होगा −50 है तो ये होगा −25। अब अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो ये फैक्टर आ जाएगा 6.63 डिवाइडेड बाय जो है वो 6.63 डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपके पास 5.396, तो ये हो जाएगा आपके पास फैक्टर आता है 1.228 × 10^। देखें ये आ जाएगा माइनस प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 9, तो ये फैक्टर आ गया। अब आप कर सकते हैं लेमडा, इस फैक्टर की वैल्यू ये कांस्टेंट है 1.22 × 10^-9, लेकिन ये वैल्यू तब आप रखोगे जब इलेक्ट्रॉन की बात आती है, इंटू 1/400 1.22 × 10^-9 / 20,
तो अब आप इसको कर सकते हैं कि डिवाइडेड बाय 20, ये हो जाएगा आपके पास 0.06 × 10⁻¹⁹ मीटर, या लेमडा हो जाएगा 0., ये हो जाएगा आपके पास 0.6 × 10⁻¹⁰ मीटर = 0.6 एंगस्ट्रम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग कम्प्टन स्केटरिंग, रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल द स्केटर रेडिएशन इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, इंटरेक्शन ऑफ रिलेटिवली लो एनर्जी इंसिडेंट फोटॉन्स विद द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, व्हिच ऑफ दिस ट्रू, द इंसिडेंट फोटॉन लूजेस ऑल द एनर्जी इन द प्रोसेस, द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन अपीयर्स एज स्केटर्ड रेडिएशन, रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑलमोस्ट ऑल द स्केटर्ड रेडिएशन इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। ठीक है, तो ये जो होगा वो इसका सही होगा। ठीक है, कि ये रेडियोलॉजी के अंदर जो होता है वो स्केटर्ड रेडिएशन जो होती है उससे हमें पता लगता है कि कौन सी एंगल है या किस तरह से ये उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब 28 है, व्हाट डिड कम्प्टन डिस्कवर आफ्टर बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन विथ हाई एनर्जी फोटॉन्स, अ फोटॉन्स मोमेंटम डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ, अ फोटॉन विथ अ शॉर्ट वेवलेंथ कैन बी इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स कम इन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी स्प्लिट इंटू सिमिलर पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखें ये चीज़ आपको बताती है कि इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट के बाद उसकी इनर्जी और फ्रीक्वेंसी में कम आ जाती है, मीन्स फोटॉन्स मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन इट्स वेवलेंथ। तो ये जो चीज़ है या ये रिजल्ट आप कह सकते हैं, तो ये इस जो है वो कम्प्टन इफेक्ट से आती है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर कि इसके अंदर है, व्हाट हैपेंस टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ इट्स मोमेंटम इज डबल्ड। अब आपको पता है कि लेमडा जो होता है, लेमडा होता है एच अपान पी, तो अगर मोमेंटम आप करोगे तो लेमडा टू हो जाएगा = एच अपान 2p। ठीक है, मोमेंटम अगर डबल होगा तो ये डिक्रीज होगी, डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2। व्हाट स्पीड मस्ट 0.2 किलोग्राम बॉल बी मूविंग इफ इट इज अ डी ब्रोगले वेवलेंथ ऑफ 2.2 × 10⁻³⁴ वेवलेंथ। तो ये जो लेमडा होती है इसकी 2.2 है, 10⁻³⁴ है, तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। देखिए लेमडा होता है एच अपान एम वी, वी हो जाएगा एच अपान एम इंटू लेमडा, तो ये होगा 6.63 × 10⁻³⁴ अपान मास दिया हुआ है, ये होगा 2 × 10⁻¹ और लेमडा दिया हुआ है 2.2 × 10⁻³⁴, माइनस 34 गया इसमें, तो ये हो जाएगा आपके पास 6.63 डिवाइडेड बाय होगा 4.4, ठीक है, × 10⁻¹। तो अब आप कर सकते हैं कि इसकी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास है, ये 6.63 डिवाइडेड बाय 4.4, तो ये हो जाएगा आपके पास है, ये 1.5 × 10⁻¹⁰ होगा, तो ये होगा अप्रोक्सीमेटली 15, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, व्हाट हैपेंस टू अ हाई एनर्जी फोटॉन आफ्टर इट स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन, डिक्रीजेस फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजेस वेवलेंथ, इंक्रीजेस एनर्जी, इंक्रीजेस मोमेंटम। तो देखें ये इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम होती है और वेवलेंथ बढ़ जाती है, तो ये फैक्टर इसके अंदर आता है कम्प्टन स्केटरिंग के अंदर। अ मेटलिक सरफेस इज फर्स्ट रेडिएटेड विथ अल्ट्रावायलेट लाइट एंड दैट विथ इंफ्रारेड लाइट, व्हाट विल बी द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द चेंज इन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। के अ मेटलिक सरफेस इज फर्स्ट इरीडेटेड विथ अल्ट्रा, पहले अल्ट्रावायलेट लाइट है मीन्स फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एंड देन विथ इंफ्रारेड, ठीक है, अब बाद में इंफ्रारेड है, तो अल्ट्रावायलेट से तो फोटॉन निकलेगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन इंफ्रारेड से तो निकलेगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम एंड आई पी विल रिमेन सेम,
काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, आईपी विल इंक्रीज. काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, आईपी विल डिक्रीज. काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, आईपी विल रिमेन सेम. काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, आईपी विल रिमेन सेम. अब इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो ये कॉन्सेप्ट है लोअर फ्रीक्वेंसी वाला. तो अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो काइनेटिक एनर्जी जो कम होगी और करंट जो रहेगा वो सेम रहेगा. तो आप कहेंगे कि अगर अल्ट्रा वायलेट लाइट की जगह पे आप किसको फॉल करवाते हो, इंफ्रारेड को. तो वैसे तो अगर इसमें ऑप्शन होता कि नो इमिशन टेक्स प्लेस तो ये सही होता, लेकिन अगर आप इसको देखते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज होगी और करंट जो होगा वो सेम रहेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज है. ठीक है, पहले यूवी है और उसके बाद इंफ्रारेड है. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. तो देखिए इसके अंदर कहा गया है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रोगले वेवलेंथ, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज. देखिए दोनों की डी ब्रोगले वेवलेंथ सेम है, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों की डी ब्रोगले वेवलेंथ सेम है, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी है? देखिए डी ब्रोगले वेवलेंथ होती है एच अपॉन एम वी. आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी हो जाएगा अंडर रेडिकल ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम. तो ये हो जाएगा लेमडा इजिकल टू एच अपॉन एम ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम. तो ये हो जाएगा अंडर रेडिकल टू काइनेटिक एनर्जी इन टू एम. ठीक है, अब इसके अंदर लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लेमडा ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, तो इस हिसाब से आप करोगे एच अपॉन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब देखिए इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू लेमडा ऑफ द प्रोटॉन एच अपॉन अंडर रेडिकल टू काइनेटिक एनर्जी मास ऑफ द प्रोटॉन. तो ये टू टू में कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, एच एच में कैंसिल हो जाएगा. अब इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी कि वन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वन अपॉन काइनेटिक एनर्जी, ये प्रोटॉन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन मास ऑफ द प्रोटॉन. तो अगर आप इसको करोगे तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन अंडर रेडिकल काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय ये हो जाएगा अंडर रेडिकल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन अंडर रेडिकल मास ऑफ द प्रोटॉन. ये मास ऑफ द प्रोटॉन स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ पे करोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ द प्रो, मीन्स काइनेटिक एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन है. जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी. इसका मकसद है आप कहोगे इन इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगले द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, कम है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इन्वर्स रिलेशन आ रहा है किसके साथ, मास के साथ, तो काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक किसके साथ आ रहा है, मास से उल्टा रिलेशन आ रहा है. जिसका काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का जो मास होता है इस तरह से प्रोटॉन का मास कम होता है और इलेक्ट्रॉन का इनकी आपस में इन्वर्स रिलेशन, मीन्स जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो उस हिसाब से ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन है. अब इसके अंदर कहा गया है वन किलोग्राम मास इज इक्वल टू द एनर्जी. देखिए वन किलोग्राम मास होता है ना तो ये हो जाता है एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन इंटू नाइन इंटू टेन पावर सिक्सटीन. तो ये हो जाएगा आपके पास नाइन इंटू टेन पावर सिक्सटीन के. अब इसके अंदर है 35 द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इन पोजिशन इज ड्यू टू द. अब अनसर्टेनिटी क्यों होती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है ये डायरेक्ट रिजल्ट है. ये किसकी डायरेक्ट रिजल्ट है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है डी ब्रोगले के हाइपोथेसिस. डी ब्रोगले की हाइपोथेसिस क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर है.
तो ये अनसर्टेनिटी प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर एंड रेडिएशन टू डायमेंशनल इमिशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ वेरी हाई वेलोसिटी द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम पोजिशन ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो है वो मैटर और रेडिएशन की प्रॉपर्टी की वजह से अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मैटर और वेव की आपस में जो रेडिएशन की जो होती है ना एक प्रॉपर्टीज़ के, मैटर को रेडिएशन की होंगी वेव वाली होंगी और वेव को जो है वो मास वाली होंगी, तो उस वजह से इसके अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी होती है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन, अब वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो होता है वो लेमडा और टेम्परेचर के दरमियान देता है रिलेशन। द वेव लेंथ ऑफ द रेडिएशन एट विथ टोटल इमिसिव पावर इज मैक्सिमम एंड द टेम्परेचर, द वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन विथ टोटल इमिसिव पावर इज मिनिमम। देखिए ये मैक्सिमम वेव लेंथ होती है, लेमडा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो ये किसके दरमियान रिलेशन देता है, ये लेमडा मैक्सिमम और टेम्परेचर के बारे में जो है वो देता है रिलेशन। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि आपको पता है लेमडा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक मटीरियल इज 6.63 जूल देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी अप्रोक्सीमेटली। देखिए वर्क फंक्शन है इज इक्वल टू 6.63 जूल है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी कितनी है। वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी वर्क फंक्शन अपॉन एच, तो आप कर सकते हैं 6.63 अपॉन 6.63 10 पावर माइनस 34 कैंसिल हो जाएगा, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी 10 पावर 34 हर्ट्स, ये आ जाएगी। तो ये हो जाएगी 10 पावर 34। व्हाट इज़ द शिफ्ट इन वेवलेंथ ऑफ एक्सरे फोटॉन, अब देखें ये 90 डिग्री पे, तो डेल्टा लेमडा होता है इज इक्वल टू एच अपन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस 90, और ये फैक्टर कमटान वेवलेंथ होता है, तो ये होता है 2.426 10 पावर माइनस 12 1 इंटू 1, तो ये हो जाता है 2.426 10 पावर माइनस 12 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास ये ऑप्शन सही। अब अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी डी ब्रोगले वेवलेंथ, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। अब देखें मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन, तो आप कर सकते हैं इसको यहाँ पे कर ले, लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल एच वेलोसिटी ऑफ द अल्फा अपॉन लेमडा आ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय एच मास ऑफ द अल्फा मास ऑफ द प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन, स्पीड सेम है एच जाएगा एच में, तो लेमडा ऑफ द अल्फा अपॉन लेमडा ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोटॉन मास ऑफ द अल्फा मास ऑफ द प्रोटॉन अपॉन 4 टाइम्स जो है वो मास ऑफ द प्रोटॉन, क्योंकि अल्फा का 4 गुना होता है, तो ये कैंसिल होगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। अगर आप करोगे तो लेमडा ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू 4 टाइम्स लेमडा ऑफ द अल्फा पार्टिकल। वैसे भी जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, ये हमने प्रीवियस के अंदर किया है। तो अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स लार्जर, अल्फा पार्टी 4 टाइम्स सिमिलर, अल्फा पार्टिकल की 4 टाइम्स सिमिलर होगी, ठीक है, क्योंकि जो है वो प्रोटॉन की वेवलेंथ ज़्यादा होगी मास इनवर्स रिलेशन। व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन thrown to a higher state in atom and falling back to the original state in about 10 power minus 3 seconds. तो आप इसके अंदर कर सकते हैं डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच अपन 2 पाई, तो ये हो जाता है आपके पास 1.05 10 power minus 34, तो ये डेल्टा ई हो जाएगी इज इक्वल टू 1.04 10 power माइनस 34 अपान हो जाता है डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी कितनी है इसके अंदर, ठीक है, व्हाट अनसर्टेन एनर्जी, और ये 10 पावर माइनस 3, तो ये होगा 1.05 इंटू 10 पावर माइनस 31, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.05 10 पावर माइनस 13, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए जो है वो क्वेश्चंस एमसीक्यूज, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे आगे डिस्कस करेंगे।